Welcome to CR International School Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे अपनी ज्योग्राफी की बुक का. हमारी ज्योग्राफी की बुक का नाम क्या है? अर्थ अवर हैबिटेट. ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के परिमंडल, जिसमें हमने बात की थी कल हमने कि अर्थ को चार प्रमुख परिमंडल है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, अब हम लिथोस्फेयर की बात कर रहे थे, जो इसका स्थल मंडल है. उसमें हमने बात की कंटिनेंट की, जो बहुत बड़ा पृथ्वी पर लार्जर पार्ट है ना लैंड का, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं. और लिथोस्फेयर में क्या है, सारे के सारे कंटिनेंट है. तो आज हम बात करेंगे कंटिनेंट्स की, महाद्वीपों की. महाद्वीप टोटल 7 है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. इसके बारे में हमने कल एक मैप भी देखा था, आज हम एक बार फिर से भी देखेंगे इस मैप को. लेकिन पहले हम रीड करते हैं थोड़ा. कंटिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स, 7 मुख्य महाद्वीप हैं. दीज आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज वाटर बॉडीज, और ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं लार्ज वाटर बॉडीज के कारण, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडीज के कारण. दीज कंटिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1 एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कह रहे हैं जी, आप फिगर 5.1 को देखिए और नोट कीजिए कि हमारी लैंड का एक बहुत बड़ा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. जो मैप हमने कल देखा था उसी को ही हम फिर से देखते हैं. चलिए देखिए, ये मैप हमने कल देखा था. ये 7 के 7 कंटिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ठीक है, ये सभी के सभी एक लार्ज वाटर बॉडी से डिफर हो रहे हैं एक दूसरे से, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया. और अब ये कह रहे हैं कि ये देखिए कि जो लार्जर पार्ट है लैंड मास का, कि जो सबसे ज्यादा लैंड मास है, जो कंटिनेंट का सबसे ज्यादा भाग है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. कैसे पता चलेगा? हमारी अर्थ को जो ट्रॉप हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, वो 2 बराबर भागों में बांटता है. देखिए 0 डिग्री वाली लाइन ये हो गई, इसके ऊपर का पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर. अब देखिए 0 डिग्री से ऊपर कितना ज्यादा पार्ट है लैंड का, ठीक है, तो ज्यादातर लैंड मास कहाँ हो गया हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और यहाँ पर कम है देखिए लैंड मास, तो मतलब वाटर पार्ट कहाँ पर ज्यादा हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड पार्ट ज्यादा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका वाटर पार्ट ज्यादा है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा होने के कारण इसे हम लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को, लैंड एरिया के 1/3 भाग को कवर करता है. मतलब जितनी भी टोटल लैंड है अर्थ का, उसका 1/3 भाग एशिया में ही है. एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है. द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये जो कंटिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. मैंने अभी देखिए आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे है, देखिए जब इक्वेटर ने इसे डिवाइड किया तो ये दो हेमिस्फीयर बन गए, नॉर्दर्न और साउदर्न. लेकिन ये 0 डिग्री देख रहे हैं आप, लेकिन जब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न. राइट हैंड की तरफ ईस्टर्न और वेस्ट हैंड की तरफ आपका, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ आपका वेस्टर्न. तो ये जो एशिया महाद्वीप है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर. आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. आगे देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कंटिनेंट, और इसी कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी कर्क रेखा है वो भी पास होती है. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय अ यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, और जो एशिया महाद्वीप है वो यूराल से अलग होता, सॉरी यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन के द्वारा. द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया.
कंबाइंड लैंडमास जो यूरोप और एशिया का मिश्रित भाग है उसे हम यूरोशिया भी कहते हैं। यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, देखिए एशिया और यूरोप किससे डिफर हो रहे हैं, यूराल माउंटेन से। ये यूराल माउंटेन दिखा रखा है, ठीक है। इनका जो कंबाइंड पार्ट है, ये जो इनका कंबाइंड पार्ट है इसे हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये देखिए आपकी 23.5 डिग्री वाली रेखा भी यहीं से ही जा रही है आपकी, और यही आपका सबसे बड़ा कंटिनेंट है। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले टोटल लैंड का 1/3 पार्ट आपका एशिया में ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंटिनेंट की, यूरोप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप एशिया से काफी छोटा है। द कंटिनेंट लाइज टू वेस्ट टू एशिया, ये जो महाद्वीप है एशिया के वेस्ट में है। द आर्टिक सर्कल पास थ्रू इट, और आर्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री वाला सर्कल है वो यहाँ से पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, ये 3 तरफ से वाटर से घिरा है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, विश्व के मैप में इसे देखिए। हम फिर से देख लेते हैं, हमारे पास विश्व का मैप है। यूरोप देखिए एशिया के वेस्ट में दे रखा है। आर्टिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री, 60 तो यही है तो 66.5 डिग्री यहां से जाएगा, ये भी यहीं से ही पास होता है, ठीक है। और ये काफी छोटा है एशिया से, आप ये भी देख रहे हैं, हमने यही 3 बातें इसमें पढ़ी कि एशिया के वेस्ट में है, उससे काफी छोटा है और 3 तरफ से वाटर से भी घिरा है। आप यदि देखिए एक तरफ ये एशिया से मैच हो रहा है, लेकिन इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, और इसके इधर भी वाटर है, तो 3 साइड ये वाटर से भी घिरा हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंटिनेंट की, और थर्ड कंटिनेंट दे रखा है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। इक्वेटर या फिर जो 0 डिग्री वाला हमारा अक्षांश है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पर ही है, वो अफ्रीका के लगभग मिडिल पार्ट से निकलता है। इस महाद्वीप के लगभग बीच में से हमारा इक्वेटर इक्वेटर वाली लाइन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो निकलती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मीन साउदर्न हेमिस्फीयर में ये कम पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा है। लुक एट द फिगर 5.1, आप 5.1 के फिगर को फिर से देखिए, यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कंटिनेंट, तो आप ये पाएंगे कि ये सिर्फ एक ऐसा अकेला कंटिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है, थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, तीनों के तीनों यहां से पास होते हैं। देखिए ये है आपका अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये आपका, इसका बहुत बड़ा भाग, ये देखिए ये आपका इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर से ऊपर भाग ज्यादा है और नीचे कम है, तो मीन्स लैंड पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कम है। यही एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा अकेला कंटिनेंट है। आगे देखिए और बता रखा है अफ्रीका के बारे में, द सहारा डेजर्ट, जो सहारा रेगिस्तान है, द वर्ल्ड बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, वो भी अफ्रीका में ही है। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑल साइड बाय ओशन और सी, ये चारों तरफ से जो है ओशन और समुद्रों से घिरा है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, अब वर्ल्ड के मैप को देखिए, यू विल फाइंड दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील, तो आप पाएंगे जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील फ्लो थ्रू अफ्रीका, वो भी अफ्रीका में ही बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, और ये कहाँ से पास हो रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इस सहारा डेजर्ट विश्व का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो भी यहीं पर ही है, देख रहे हैं ना। और देखिए ये रिवर है नील रिवर, जो
लॉन्गेस्ट रिवर है ना विश्व की, सबसे लंबी नदी नील, वो भी इसी कंटिनेंट में ही है। ठीक है, ये लगभग ऑल साइड वाटर से घिरा है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखिए इसका यहाँ टच करता है। ठीक है, आगे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंटिनेंट है, पहले एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप, ये साउथ अमेरिका से एक छोटी सी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड, पतली सी लैंड की स्ट्रिप पट्टी से जुड़ा है, कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा, जिसे पैनामा इस्थमस ऑफ पैनामा यानी कि पैनामा जल संधि कहा जाता है। द कंटिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो कंटिनेंट है पूरी तरीके से नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यदि हम इसे इक्वेटर से डिवाइड करें और यदि हम इसे प्राइम मेरिडियन से डिवाइड करें तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। थ्री ओशन सराउंड दिस कंटिनेंट, तीन ओशन इसे सराउंड करते हैं, मतलब इसको चारों तरफ से घेर रखा है। कैन यू नेम दीज ओशंस, क्या आप इन तीनों ओशंस के नाम बता सकते हैं? सबसे पहले हम इन तीनों ओशंस की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, थ्री साइड ओशंस है, मींस इधर तो पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक है और इधर आर्कटिक ओशन है, तो तीन तरफ ओशन से कवर हो गया। ये साउथ अमेरिका से एक पतली सी पट्टी, देख रहे हैं आप, लैंड पार्ट से जुड़ा है, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं। इसका एक फिगर यहां भी दे रखा है, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये जुड़ रही है पतली सी पट्टी से, इसे हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, इस्थमस क्या है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग द टू लैंड मास, ये वो पतली सी पट्टी है जिसके द्वारा दो लैंड मास, बड़े बड़े जो दो स्थल भाग हैं, आपस में जुड़े हैं। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली ये जो पट्टी है इस्थमस ऑफ पैनामा है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं इस्थमस ऑफ पैनामा की, थ्री साइड ओशन से घिरा है, कौन कौन से ओशन है वो भी हम कर चुके हैं, और ये कंप्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देखिए नॉर्थ में तो है ही, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न, जीरो से इधर, तो पूरी तरीके से नॉर्थ में है और वेस्ट में है। आगे देखिए, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, विच टू ओशन सराउंड इट ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, दो ओशन इसे घेरते हैं पूर्व और पश्चिम की तरफ से। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो विश्व की सबसे बड़ी माउंटेन पर्वत श्रृंखला है वो भी यहीं पर है। रन थ्रो इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिसकी लेंथ उत्तर से दक्षिण की तरफ है। साउथ अफ्रीका हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन, और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी, मीन्स चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है वो भी यहाँ पर है। देखिए ये एंडीज जो श्रृंखला है इसकी लंबाई नॉर्थ से साउथ की तरफ है, अमेजन रिवर भी है, दो तरफ ओशन है, पैसिफिक है और साउदर्न ओशन है, इसके कवर कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, ये सबसे छोटा कंटिनेंट है, दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सीज, ये चारों तरफ से ही समुद्रों और महासागरों से घिरा है। इट इज कॉल्ड द आइलैंड कंटिनेंट, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है, चारों तरफ ही ओशन एंड सी है, और ऐसा लैंड पार्ट जिसके चारों तरफ वाटर बॉडीज हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड भी है और कंटिनेंट भी, इसीलिए इसे हम आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं, और ये पूरा का पूरा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आगे देखिए, सिक्स हो गए, सेवन देखिए, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में, देखिए है ना पूरा का पूरा नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में, और आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ये। आगे देखिए, इन ह्यूज कंटिनेंट, ये बड़ा कंटिनेंट है, थोड़ा विशाल महाद्वीप है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट, जो साउथ पोल है, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, लगभग इस कंटिनेंट के सेंटर में है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द पोलर रीजन, ये पोलर रीजन पर है, ध्रुवीय प्रदेशों में है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, और ये परमानेंट ही पूरे साल ही ये बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर मानव का कोई स्थायी आवास नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन
अंटार्कटिका, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर वो अपने अनुसंधान करते हैं अंटार्कटिका में। इंडिया ऑल्सो है रिसर्च स्टेशन, भारत के भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जिनके नाम मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है। देखिए बेटा ये सबसे बड़ा है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल। तो साउथ पोल इसके सेंटर में हो गया, बर्फ से कवर्ड है, यहाँ पर मोटी चादर है बर्फ की, तो मानव तो यहाँ रहता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपके रिसर्च सेंटर है, इंडिया के भी यहाँ रिसर्च सेंटर्स हैं दो, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है बेटा, आज हम बस इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसके आगे का कल रीड करते हैं। ओके।